हेलो एवरीवन, मैं संजीव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संजीव स्मार्ट थॉट। तो मैं आ गया हूं आपको यूट्यूब से सावधान करने, क्योंकि यूट्यूब का जो कॉमेडी गाइडलाइंस है वो काफ़ी स्ट्रांग है, और आप अगर यूट्यूब के कॉमेडी गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं चलते हैं तो आपका चैनल जो है कभी ग्रो नहीं हो सकता है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी यूट्यूब चैनल खोला है, और उन लोगों के लिए भी है जो यूट्यूब चैनल खोल चुके हैं, उन सभी के लिए है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो चैनल्स हैं खुलते हैं और उनका जो चैनल है मोनेटाइज नहीं होता है, बहुत सारे लोगों के जो व्यूज़ नहीं बढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों के जो है सब्सक्राइबर और वॉच टाइम भी कंप्लीट नहीं हो पाता है, और बहुत सारे लोगों के जो मोनेटाइज होने के बाद भी जो है डीमोनेटाइज हो जाता है, और बहुत सारे लोग जो रिव्यू में जाता है चैनल तो वहाँ मोनेटाइज नहीं होता है, क्योंकि वो यूट्यूब के जो कॉमेडी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से जो है वीडियो नहीं बनाते हैं और उसके हिसाब जो है चैनल नहीं बनाते हैं। तो मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिससे आपको सावधान रहना चाहिए, जिससे कि आपका चैनल पर कोई इफेक्ट ना पड़े, और साथ ही मेरे चैनल के बारे में आपको बताऊँगा कि मेरे चैनल के साथ क्या क्या घटनाएं हुई है। मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैनल चलाता हूँ और मुझे ये चैनल चलाते हुए 3 साल हो चुके हैं, और इन 3 सालों में मेरे साथ क्या क्या घटनाएँ हुई है, मैंने क्या गलती की है और क्या इसका इफेक्ट पड़ा है मेरे चैनल पर, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा और आपको सावधान करूंगा कि आप भी ऐसी गलतियां ना करें, नहीं तो आपका चैनल जो है ग्रो नहीं हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं अपने चैनल के बारे में बता देता हूं। तो मेरा चैनल जो है 2.5 से 3 साल पहले मैंने चैनल खोला था। तो मैं पहले जो है YouTube पर वीडियो देखता था, तो मुझे भी लगता था कि मैं भी एक चैनल खोल सकता हूँ और उसे चला सकता हूँ। तो मैंने एक चैनल खोल लिया और उस पर वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया। तो मेरा जो चैनल है साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस मैं डालता हूँ, और मैंने जब वीडियोस डालना अपलोड करना शुरू कर दिया तब मेरा 4 से 5 वीडियोस में ही एक वीडियो जो है वायरल चला गया अचानक से। तो वायरल जाने के बाद जो है उसमें 1 लाख+ व्यूज़ आ गए। तो 1 लाख+ व्यूज़ आने की वजह से जो है मेरा चैनल पर जो है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम जो है वो पूरा हो गया। इस वजह से जो है मैंने जो है चैनल को रिव्यू के लिए भेज दिया, और रिव्यू में जब मैंने भेजा तो वहाँ पर मेरा चैनल जो है मोनेटाइज कर दिया गया। और इसके बाद जो है मैंने सोचा कि और भी 4-5 वीडियोस बनाऊंगा तो मेरा वीडियो जो है वायरल हो जाएगा, तो मैं वीडियो बनाना शुरू कर दिया और 4-5 वीडियो बनाया, 6 वीडियो बनाया, तब भी मेरा वीडियो जो है वायरल नहीं गया। तो इससे क्या होता है कि आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको कभी भी ऐसा सोच के नहीं चलना है कि मैंने 5 वीडियो बनाया तो और 5 वीडियो बनाऊंगा तो मेरा वायरल चल जाएगा। तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना है, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो मैंने सोचा कि और भी 4-5 वीडियोस जो अपलोड करूंगा तो मेरा दूसरा वीडियो भी वायरल चला जाएगा, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी वीडियो जो अपलोड करना शुरू कर दिया। तो जब मैंने 4 किया 5 किया 6 किया 7 किया तब भी मेरा वीडियो जो है वायरल नहीं गया। क्योंकि आप नए नए जब वीडियोस अपलोड करते हैं तो आपको बूस्ट देता है YouTube, जो है बूस्ट देता है। क्यों? क्योंकि YouTube को उस समय पैसा आपको देना नहीं पड़ता, क्योंकि आपका चैनल तो मोनेटाइज नहीं होता है, तो उस समय आपको बूस्ट देने के लिए वो 1-2 वीडियो वायरल करता है नए नए, जिससे कि आप और भी वीडियोस बनाएं। तो अभी जो है आप जब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, आपका जब पैसा चालू हो जाएगा, तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और भी ज़्यादा वीडियोस बनाना पड़ेगा, और भी मेहनत करना पड़ेगा, आपको अच्छा टॉपिक डालना पड़ेगा, अच्छा थंबनेल डालना पड़ेगा, अच्छा स्टोरी डालना पड़ेगा, तब जाकर जो है यूट्यूब जो है और एक वीडियो को व्यूज बूस्ट करेगा, जिसके वजह से जो है आप यूट्यूब पर आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे कि अगर आप वीडियो अपलोड करेंगे आपका वायरल नहीं होगा, 10 वीडियो अपलोड किया, 15 वीडियो अपलोड किया, आपका वायरल नहीं हो रहा, तो यहाँ पर आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। इससे आपको लगेगा कि मेरा वीडियो वायरल नहीं जाएगा, अब हम चैनल क्यों खोले हैं, बेकार का वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ आपको सबसे बड़ी चीज़ आपको यहाँ ध्यान में रखनी है कि आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपका वीडियो वायरल नहीं हो रहा, मैं अच्छी वीडियो नहीं बना रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो वीडियो है वो आपका यूट्यूब पर रहेगा, और वो वीडियो जो अभी आपने बनाया है वो उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर व्यूज़ नहीं आएगा। आपका वो वीडियो वहाँ यूट्यूब पर अपलोड है और वो रहेगा वहाँ पर, और जिस दिन
आपका जो 20वां वीडियो होगा या 25वां वीडियो होगा अपलोड किया है आपने, अगर वो वायरल जाता है तो आपका जो पीछे वाला वीडियो है वो भी उस पर भी व्यूज आएंगे, ये 100% गारंटी है कि आएगा ही आएगा। तो आपका जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाने वाला है। आपको जो है शेड्यूल बनाकर और वीडियोस अपलोड करना बंद नहीं करना है, आपको बराबर वीडियोस अपलोड करने हैं। शेड्यूल के बारे में आपको बता देता हूँ, तो अगर आप एक वीडियो अगर सोमवार को अपलोड करते हैं, सोमवार को 12 बजे अपलोड करते हैं, तो आपको दूसरा वीडियो भी सोमवार को 12 बजे ही अपलोड करना है, क्योंकि शेड्यूल के हिसाब से अगर चलते हैं तो YouTube के एल्गोरिदम को आपका जो शेड्यूल है वो पता चलेगा, तो उस हिसाब से जो है वो वीडियोस को बूस्ट करेगा। यहाँ पर एक सबसे बड़ा गलती करते हैं लोग, जो डीमोटिवेट हो जाते हैं, वीडियोस बनाना बंद कर देते हैं, जिससे कि उनका शेड्यूल बिगड़ जाता है। शेड्यूल जहाँ बिगड़ेगा तो आपका जो इम्प्रेशन है वो डाउन हो जाएगा, YouTube पर आपके व्यूज़ जो है वो कम हो जाएंगे। तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको जो है वीडियो शेड्यूल के हिसाब से बनाने हैं, चाहे जो भी हो जाए। और वीडियोस बनाने तो हैं ही, और आपको जो कंटेंट भी अच्छा रखना है, आपका कंटेंट जो है ओरिजिनल होना चाहिए, किसी भी तरह का कॉपीराइट नहीं होना चाहिए, कॉपीराइट म्यूजिक नहीं लेना है, कॉपीराइट वीडियो नहीं लेना है, कॉपीराइट पिक्चर नहीं लेना है, आपको जो है 100% ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, तब जाकर जो है आप आगे बढ़ पाएंगे। कंटेंट तो होना ही चाहिए, और प्लस आपका कंटेंट जो है लोग पसंद करें वैसा कंटेंट होना चाहिए, नहीं तो आप वीडियो बेमतलब का वीडियो बना के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो कंटेंट ऐसा रखें जो लोगों को पसंद आए, आप खुद के पसंद से आप अपना वीडियो नहीं बना सकते हैं, लोगों के पसंद से जो है आपको वीडियोस बनाने हैं और लगातार बनाते रहना है। तो यहाँ पर ये बातें तो हो गई, तो यहाँ पर मैंने और एक गलती किया, सबसे बड़ा गलती। तो मैंने जब चैनल खोला था, मुझे कॉमेडी गाइडलाइंस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ मुझे ये पता था कि वीडियो अपलोड करना है, ना ही टैग्स के बारे में पता था, ना ही डिस्क्रिप्शन के बारे में पता था, ना ही शेड्यूल के बारे में पता था, ना ही कॉमेडी गाइडलाइंस के कोई भी हिस्से को मैं नहीं जानता था, और इसलिए मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी, इस वजह से जो है मेरे चैनल पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। तो मैं जैसे जैसे वीडियो अपलोड करता गया, वो वायरल तो नहीं हुआ, डीमोटिवेट भी मैं हुआ, और मैंने क्या किया, थोड़ा स्लो कर दिया वीडियोस अपलोड करना, तो इस वजह से जो है मेरा इम्प्रेशन डाउन हो गया, YouTube का जो चैनल का इम्प्रेशन है मेरा वो डाउन चला गया। अब वो डाउन जाने के बाद जो है मेरा जो है व्यूज़ और भी तेज़ी से घटने लगा, तो मैंने वीडियोस डालना, फिर मैंने पता किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा, तो फिर मैंने कंटिन्यूसली वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तो वीडियोस बनाते गया तो भी वायरल नहीं हुआ, तभी मैं बना रहा हूँ, उसके बाद जो है क्या क्या घटनाएं भी मैं बता रहा हूँ अभी। तो मैं बनाता गया, तो एक वीडियो क्या हुआ मेरा, एक वीडियो में थंबनेल मैंने अपलोड किया, तो थंबनेल अपलोड करने के बाद क्या हुआ कि थंबनेल में कुछ स्पेलिंग वगैरह गलती हुआ, तो मैंने क्या किया कि उस थंबनेल को चेंज कर दिया, क्योंकि वहाँ ऑप्शन है कि आप चेंज कर सकते हैं, तो चेंज कर दिया। तो उस समय मुझे कॉमेडी गाइडलाइंस के बारे में पता नहीं था, तो कॉमेडी गाइडलाइंस के बारे में इस विषय में तो मुझे आज तक पता नहीं चला कि आप थंबनेल चेंज करने से भी व्यूज़ घटते हैं। तो मैंने थंबनेल चेंज कर दिया उस वीडियो का, तो उस वीडियो का थंबनेल चेंज किया तो मेरे वायरल वीडियो का व्यूज़ घट गया, तो इससे मेरा वीडियोस और भी डाउन में चला गया। तो आप कभी भी ऐसा नहीं करें, पुराना से पुराना या नया से नया आपका वीडियोस का थंबनेल चेंज नहीं करना है, क्योंकि उससे आपका व्यूज़ और चैनल पर काफ़ी इफेक्ट पड़ सकता है। तो फिर मुझे ये पता चला, तो फिर मुझे ये भी सीख मिला कि इस तरह का गलती नहीं करना है। तो फिर मैं वीडियोज़ अपलोड करता गया तो मैंने एक वीडियो एडिटर ऐप खरीदा था मोबाइल पर, तो उसका जो म्यूजिक है मैं उस पर अपलोड करता था, तो किसी म्यूजिक में कॉपीराइट नहीं आया, किसी म्यूजिक में कॉपीराइट आ गया। तो इस बीच में जब कॉपीराइट आया तो मैं घबरा गया, तो उस समय घबरा गया कि कॉपीराइट आ गया मतलब वो वीडियो को डिलीट कर देते हैं। घबरा के मैंने क्या किया, डिलीट कर दिया। तो डिलीट करने के बाद क्या हुआ कि मेरे व्यूज और भी डाउन। तो कभी भी कॉपीराइट आपका म्यूजिक में आए तो आप कभी भी वीडियो को डिलीट नहीं करना है आपको, क्योंकि
उसका अंदर ऑप्शन रहता है कि आप म्यूजिक चेंज कर सकते हैं। तो म्यूजिक अगर आप चेंज कर देते हैं उसका, वहाँ से आप म्यूट करके उतना दूर का जो जितना दूर हिस्सा है कॉपीराइट है उसको अगर म्यूट करके आप म्यूजिक चेंज कर देते हैं, यूट्यूब का जो है कॉपीराइट म्यूजिक मिलता है। यूट्यूब स्टूडियो में आप जो है क्रोम ब्राउज़र में जाकर यूट्यूब स्टूडियो में जाएंगे तो वहाँ पर जो है यूट्यूब का जो म्यूजिक है वहाँ मिलता है। वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कि कॉपीराइट म्यूजिक आप लगा सकते हैं, जिस पर आप कॉपीराइट आया हुआ है आपका म्यूजिक पर, वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया कि उस वीडियो को घबरा कर डिलीट कर दिया, तो डिलीट करने की वजह से और भी मेरा जो इम्प्रेशन डाउन हो गया, तो मेरा चैनल का जो इम्प्रेशन है डाउन चला जाता गया। ऐसे ऐसे गलतियाँ किया और गलती करते करते मैंने सीखा है। तो तीन साल मैंने बिताया है, तो YouTube पे ऐसी सी घटनाएं हुई हैं जो जिससे मैंने सीखा है और वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप ऐसा कभी कुछ भी ना करें, अगर आपको म्यूजिक पर कोई कॉपीराइट आता है तो आप YouTube स्टूडियो से जो है वहाँ जाकर अपना म्यूजिक जो है चेंज कर सकते हैं। तो वहाँ से आप चेंज करेंगे, डिलीट नहीं करेंगे। तो वहाँ से मुझे ये सीख मिला। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा था तो वीडियो अपलोड किया तो अभी क्या किया कि शेड्यूल किया तो आज था 15 तारीख, तो उस 15 तारीख को मैंने शेड्यूल करना चाह रहा था, लेकिन वहाँ 14 तारीख कैसे हो गया, गलती से हुआ कि क्या हुआ, वहाँ 14 तारीख हो गया। तो 14 तारीख तो पार पीछे चला गया, तो वहाँ 14 तारीख देख के शेड्यूल कर दिया। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जब मैंने शेड्यूल कर दिया तो वहाँ पर से वो वीडियो जो है तुरंत प्रीमियर हो गया। वो शेड्यूल नहीं हुआ, वो प्रीमियर हो गया। जैसे ही मैंने अपलोड किया वो तुरंत प्रीमियर हो गया। तो इस वजह से जो है उसका जो नोटिफिकेशन है वो कहीं भी नहीं भेजा गया, वो प्रीमियर हो गया बस। तो इस वजह से भी मेरा जो अपलोड वीडियो जब मैं कर रहा था तो उस पर व्यूज़ जो है कम हो गए। तो आपको शेड्यूल करते समय भी ध्यान रखना है कि टाइम का कुछ गड़बड़ ना। और एक घटना जो है मेरे चैनल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जब मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए थे और जब मेरा वीडियो जो है वायरल जाने लगा तो मैंने क्या किया कि मेरे पिछले वीडियोस जो है जब नए जब यूट्यूब चैनल कोई खोलता है तो अपने वीडियोस में सही से बोल नहीं पाता है, सही से आप एडिटिंग नहीं कर पाते हैं, कुछ कमियाँ रहती हैं, बहुत सारी कमियाँ ऐसी रहती हैं। तो जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू कर दिया अच्छा से तो वो वीडियोस जब देखता था तो मुझे बुरा लगता था, या बकवास टाइप का एडिटिंग है, बकवास म्यूजिक है, सही से म्यूजिक नहीं डाला हुआ है, तो ये मैं सोचता रहता था। अब पब्लिक देखेगा तो क्या सोचेगा, तो ये सोच के क्या किया कि वो साल पुराना वीडियो मैंने डिलीट किया और तुरंत मेरा इम्प्रेशन जो है और डाउन चला गया। तुरंत मेरा जब इम्प्रेशन डाउन हुआ, व्यूज डाउन हुआ, तो मुझे पता चल गया कि ऐसा गलती कभी भी नहीं करना है। पुराना से पुराना जो वीडियो है उसको कभी भी डिलीट नहीं करना है, चाहे वो ख़राब हो जैसा भी हो उसको वैसे ही पड़े रहना देना चाहिए। नहीं तो वो आप डिलीट करेंगे तो आपका जो यहाँ का व्यूज़ जो है, नया वीडियोस का व्यूज़ जो है, पूरे चैनल का व्यूज़ जो है डाउन हो जाएगा। तो ऐसा गलती कभी भी ना करें, आपका पुराना वीडियोज़ है जैसा भी है उसको वैसे ही पड़े रहने देना। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। ऐसी बहुत सारी घटनाएँ हैं जिसके वजह से जो है मेरे चैनल पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। तो अभी आप तो पहले तो शॉर्ट चैनल नहीं हुआ करते थे, तो अभी शॉर्ट चैनल आए हैं। तो शॉर्ट चैनल के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी मैं आपको जो बातें बताने जा रहा हूँ वो आपको ध्यान से इसको दिमाग में रखनी है कि आप भी ऐसा गलती ना करें। तो शॉर्ट चैनल जब आया तो मैं तो लॉन्ग वीडियोज़ बनाता था, तो शॉर्ट चैनल मुझे समझ में नहीं आता था, इतना एक मिनट में कैसे मैं अपलोड कर दूँ, मेरा इतना बड़ा बड़ा टॉपिक होता है कैसे अपलोड कर दूँ, तो नहीं करता था। थोड़ा बहुत इधर उधर का वीडियोस जो है अपलोड कर देता था। तो फिर मैंने देखा कि शॉर्ट चैनल काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है, तो मैंने क्या किया कि शॉर्ट चैनल मैंने भी शॉर्ट वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तब देखा कि शॉर्ट वीडियो पे बहुत तेज़ी से व्यूज़ आ रहे हैं और सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, तो मैंने क्या किया कि शॉर्ट्स वीडियो डालना शुरू कर दिया। तो लगातार मैंने डेली शॉर्ट्स वीडियोस अपलोड करता था, टाइमली अपलोड किया, तब एक वीडियो वायरल चला गया तो उसमें 1 करोड़ व्यूज़ आ गए। तो 1 करोड़ व्यूज़ आ गए, उसके वजह से जो है मेरा सब्सक्राइबर काफ़ी बढ़ गया। उस समय मैं काफ़ी खुश हुआ कि मेरे 1 करोड़ व्यूज़ चले गए, इतना ज़्यादा व्यूज़ चले गए, तो मैं काफ़ी खुश हुआ।
भी मेरे तो इतने व्यूज चले गए, इतने सब्सक्राइबर हो गए, तो अच्छा खासा पैसा भी आएगा, तो ये सोचा मैंने। तो शॉर्ट्स वीडियो जो शॉर्ट्स जो है नया नया आया था, तो उसके बारे में भी मुझे पता नहीं था, और उसके बारे में तो किसी को भी पता नहीं था। नया नया जब आया है तो किसको पता रहेगा कि क्या इसका क्या सिस्टम है, किस तरीके से क्या होता है। तो मैंने शॉर्ट्स बनाना शुरू कर दिया। जब मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाना शुरू किया तो वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा गलती किया, मैंने लॉन्ग वीडियोज़ जो है बनाना बंद कर दिया। तो जब मैंने लॉन्ग वीडियोज़ बनाना बंद कर दिया तो उस समय तो मुझे कुछ नहीं पता चला, क्योंकि ये जो सिस्टम था ये मेरे लिए पूरी तरह से नया था, और मुझे क्या किसी को भी पता नहीं था। तो मैंने क्या किया कि लॉन्ग वीडियोज़ बनाना बंद कर दिया और शॉर्ट्स वीडियोज़ बनाना शुरू कर दिया। लॉन्ग वीडियोज़ बनाना क्यों बंद कर दिया, क्योंकि मुझे शॉर्ट्स वीडियोज़ में भी लॉन्ग वीडियोज़ का ही इतना मेहनत हो रहा था, तो मैं दो चीज़ें एक साथ कैसे करूँ। तो मैंने क्या किया, शॉर्ट्स वीडियोज़ बनाना शुरू कर दिया, शॉर्ट्स वीडियोज़ बनाना शुरू कर दिया, अपलोड करने लगा, तो व्यूज़ आने लगे, सब्सक्राइबर बढ़ने लगे, बहुत शॉर्ट्स वीडियो बनाते गया। तो बनाते बनाते क्या वो 15-20 बनाया मैंने, तो एक वायरल चला गया और उसमें 1 करोड़ व्यूज़ आ गए, 1 करोड़ से भी ज़्यादा, तो उसमें व्यूज़ आ गए। तो इस वजह से मेरा सब्सक्राइबर भी बहुत सारा बढ़ गया और मैं बहुत खुश हुआ कि अच्छा व्यूज़ आ गया है, सब्सक्राइबर बढ़ गया है और रेवेन्यू भी अच्छा मिलेगा, पैसा भी अच्छा आएगा। तो मुझे कुछ रेवेन्यू भी मिला, तो रेवेन्यू जब मिला तो मैं ज़्यादा खुश नहीं, क्योंकि शॉर्ट चैनल पर जो है काफ़ी कम रेवेन्यू बनता है और मेहनत जो है आपको लॉन्ग वीडियोस के बराबर ही करनी पड़ती है। मेरा ख्याल कहना है कि लॉन्ग वीडियोस से ज़्यादा मेहनत आपको शॉर्ट वीडियोस में करना पड़ेगा। मैं खुश हो गया था कि मुझे अच्छा रेवेन्यू मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा, हाँ, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, बहुत कम पैसा मिला। तो मुझे खुशी हुआ कि चलो कुछ तो आया, तो मैं वीडियोस बनाने लगा, शॉर्ट वीडियो और भी बनाया, वायरल हुआ तो और भी बनाया, तो और भी वायरल गया, कोई 50 लग गया, कोई 10 लग गया, तो फिर से मुझे रेवेन्यू मिला, तो बहुत कम मिला। तो इतना रेवेन्यू मिला कि आप खुश नहीं हुए और मैं भी खुश नहीं हुआ और कोई भी खुश नहीं होगा, क्योंकि शॉर्ट्स पे इतना कम रेवेन्यू मिल रहा और मेहनत जो है आपका लॉन्ग वीडियो से भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ गया, तब जाके आपको रेवेन्यू मिल रहा, वो भी कम। तो इस पर भी मेरे चैनल पर इफेक्ट पड़ा, जबकि मैं वीडियोस बना रहा था तब भी मेरे चैनल पर ख़राब इफेक्ट पड़ा, जबकि मेरा वीडियोस वायरल जा रहा था। तो आप बताइए कैसे। जब मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाना शुरू किया तो यूट्यूब ने क्या किया, मेरा लॉन्ग वीडियोज़ को एकदम व्यूज़ बंद कर दिया। अब बताइए इसमें मेरा क्या गलती थी, और इसका कॉमेडी गाइडलाइंस का पढ़ के भी नहीं मिलेगा इसका कुछ उपाय। तो मेरा जब शॉर्ट्स वीडियो बनाया तो लॉन्ग वीडियोस का व्यूज़ एकदम बंद कर दिया, एकदम व्यूज़ आना ही बंद हो गया, सिर्फ शॉर्ट्स चल रहा है। और उतना साल जो मेहनत किया मैंने लॉन्ग वीडियोज़ पर, वो सारे वीडियोज़ कचड़े की तरह वहाँ पर पड़े हुए थे, वो यूज़ ही नहीं आ रहे। मैंने हम शॉर्ट्स बना रहे हैं, शॉर्ट्स में आ रहे, तो जो लॉन्ग वीडियोस बनाए वो मेहनत बेकार हो गया। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही, तो इससे भी आपको सावधान रहना है। तो इससे ये सीख मिला कि आपको शॉर्ट्स वीडियोस अगर बना रहे हैं तो आपको साथ में लॉन्ग वीडियोज़ भी बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो है एक वीडियो शॉर्ट्स वीडियो बनाए तो शॉर्ट्स वीडियो को ही आप बूस्ट करेगा, अगर लॉन्ग वीडियोस बनाते हैं तो लॉन्ग वीडियोस को ही बूस्ट करेगा, आपका शॉर्ट वीडियोस डाउन हो जाएंगे। तो अगर आप शॉर्ट और लॉन्ग वीडियो दोनों बनाते हैं तो उसके लिए सबसे बढ़िया है 2 चैनल खोलना। एक चैनल पर अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत बड़ी समस्या में पड़ जाएंगे, क्योंकि आप शॉर्ट्स वीडियो बनाएंगे तो आपका लॉन्ग वीडियोज़ का व्यूज़ जो है डाउन कर देता है यूट्यूब। तो इसको हमेशा ध्यान रखिए कि आप जब भी शॉर्ट्स वीडियो बनाएं तो 2 चैनल बनाएं। थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि आपको जब शॉर्ट चैनल खोलेंगे तो आपको मोनेटाइज करवाना पड़ेगा, लेकिन आपको ऐसा ख़राब इफेक्ट नहीं मिलेगा जैसा मेरे चैनल पर मिला, रेवेन्यू इतना कम मिला प्लस मेरा लॉन्ग वीडियोस को डाउन कर दिया।
तो इस तरह का आपको खराब इफेक्ट नहीं मिलेगा दो चैनल अगर खोलते हैं। अगर मैंने अभी दो चैनल खोला होता तो मेरा लॉन्ग वीडियोस का व्यूज जो है वो बना रहता और इधर शॉर्ट वीडियोस का व्यूज भी इधर बना रहता, मेरा दोनों में कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन यहाँ एक चलाया तो मेरा दूसरा जो लॉन्ग वीडियोस है उस पर काफ़ी नुकसान हुआ, मेरा वो वीडियो जो है एकदम माने डाउन हो गए। और शॉर्ट वीडियो बनाकर मुझे कोई खुशी नहीं मिली, सब्सक्राइबर मिला, थोड़ा पहचान भी मिला, अच्छा बात है, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा तो कौन मेहनत करेगा बताइए। तो शॉर्ट्स वीडियो पे आपको रेवेन्यू बहुत कम मिलता है, तो शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया मुझे खुशी नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि मेहनत कर रहे हैं इतना कुछ हो नहीं रहा तो इसको बंद कर दिया। तो फिर से मैं लॉन्ग वीडियोज़ बनाना शुरू किया, तो लॉन्ग वीडियोज़ बनाना शुरू किया, तो लॉन्ग वीडियोज़ बनाते गया बहुत मेहनत किया, तब जाके जो है मेरा शॉर्ट्स का सारा व्यूज़ डाउन हो गया है, अभी लॉन्ग वीडियोज़ का डाउन व्यूज़ जो है बढ़ गया। तो ये प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके बारे में पता नहीं था कि ऐसे ऐसी घटनाएँ हो रही है यूट्यूब पर। तो आप जो है यूट्यूब पर वीडियो डालकर ही सीख सकते हैं, कमेटी लाइक गाइडलाइंस पढ़ लेंगे ना तो भी आपको बहुत कुछ जो है ऐसा कुछ है नहीं पता चलेगा, आपको यूट्यूब पर बने रहना पड़ेगा, उससे एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा कि क्या क्या घटनाएं होती है, किस तरह से जो है हमें जो है कमेटी गाइडलाइंस को सही तरीके से चलाना है, किस तरह से जो है वीडियोस अपलोड करना है, किस तरह से जो है अपने वीडियोस को आगे बढ़ाना है, कंटेंट अच्छा डालना है। तो ये आपको कोई भी सेटिंग बताने से नहीं होगा, क्योंकि जब आप खुद वीडियो अपलोड करेंगे तब आप कुछ इसको अनुभव कर सकते हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि कंटेंट आप ओरिजिनल डालें, और YouTube चैनल खोलने से पहले आप YouTube के कमेटी गाइडलाइंस को पढ़ सकते हैं। तो आप जब चैनल खोलें तो YouTube कमेटी गाइडलाइंस को पूरा पढ़ लें। अगर आप YouTube कमेटी गाइडलाइंस को पूरा पढ़ लेते हैं तो आप 90% आप ग्रो हो जाएंगे, 10% तो आपको ओपन। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखनी है और YouTube से सावधान रहना। और भी ऐसी ऐसी घटनाएं मैं आपको बताऊंगा YouTube के बारे में जिससे आपको सावधान रहना चाहिए। तो फिर से मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।